गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस क्लास में अपन लाइव क्लिक और लाइव फोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जो कोलाइडी सॉल्यूशन है, यहाँ पर पहले एक पॉइंट पर लेते हैं। कोलाइडी जो सॉल्यूशन होता है, उस कोलाइडी सॉल्यूशन के अंदर दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक होती है डिस्पर्स्ड फेज होती है, और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। तो इस प्रकार से इसके अंदर कितने प्रकार की अवस्थाएं होती है, दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। अब देखो, पहला डिफरेंस क्या है, लायोफिलिक जो सॉल्यूशन होता है, उस लायोफिलिक सॉल्यूशन के अंदर इस डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में घनिष्ठ प्रेम होता है, घनिष्ठ आकर्षण बल होता है। यूं कह सकते हैं कि हाई अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो आकर्षण बल होता है, वो कैसा होता है, अधिक होता है। जबकि इसमें अगर बात करें तो लो अट्रैक्शन फोर्स, मतलब दोनों के बीच का जो आकर्षण बल होता है, वो आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है। दूसरी बात अगर करते हैं कि ये जो है लायोफिलिक सॉल्यूशन, ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि ये दोनों दिशाओं के अंदर संपन्न होते हैं। और ये जो सॉल्यूशन होते हैं, ये इरिवर्सिबल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक बार अगर सॉल्यूशन बना देते हैं तो वो पुनः विघटित नहीं होता है, एक ही दिशा में संपन्न होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है। जबकि ये जो है बोथ डायरेक्शन के अंदर जो संपन्न है, वो संपन्न किए जा सकते हैं। तीसरा अगर बिंदु देखें तो इसके कणों के आकार की बात करें तो इनके अंदर कणों का जो आकार है वो स्मॉल होता है, इसमें जो कणों का आकार होता है इसके कंपेरिजन में कैसा होता है, लार्ज होता है। होता दोनों के अंदर कोलाइडी जो कणों का आकार है वो कोलाइडी कणों के समान ही होता है, जिसमें कितने एक एनएम से हंड्रेड एनएम के बीच का जो आकार है वो कोलाइडी कणों में होना चाहिए। तो होता इसके बीच में ही है, एक से हंड्रेड के बीच में। लेकिन अगर दोनों के आपस में तुलना करें तो इसके पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं। जबकि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं। इसमें जो कण है वो कण कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। जबकि जो लायोफिलिक है उसमें पार्टिकल की जो साइज होती है वो कैसे होती है, स्मॉल होती है। उसके बाद अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो लायोफिलिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें हाई अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है। अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा तो स्पष्ट है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कैसी होगी, हाई स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी अधिक होगी, अधिक स्थायी होंगे। जबकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होगी, लो स्टेबिलिटी होगी। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, बहुत कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, अगर बनाने की विधि की अगर बात करें कि इसको कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, तो ये तो जो है अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने के कारण दोनों जो ये अवस्था है, इन दोनों को आप मिला दो, मिलाओगे तो स्वतः ही क्या बन जाएगा, ये लायोफिलिक जो है वो बन सकता है। मतलब नॉर्मल जो फिजिकल मेथड है, सामान्य जो भौतिक विधियां है उसके द्वारा इसको बना सकते हैं। फॉर्म बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड, सामान्य जो भौतिक विधियां है उस सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा इसको बना सकते हैं। जबकि इसमें क्या है, दोनों के बीच में घनिष्ठता कम है, और घनिष्ठता कम होने के कारण विभिन्न रासायनिक मेथड के द्वारा बनाया जाता है। फॉर्म बाई स्पेशियल केमिकल मेथड, केमिकल और फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, या तो विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बना सकते हैं या विशेष फिजिकल मेथड के द्वारा इसका जो फॉर्मेशन है इसका फॉर्मेशन किया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी विस्कोसिटी की बात करें, अगर क्या देखें विस्कोसिटी देखते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो इस डिस्पर्शन मीडियम से इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी वो
किससे हाई होती है, 20% मीडियम से इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। जबकि इसकी बात करें तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी डिस्पर्शन मीडियम के कंपैरिजन कैसा होती है, लो विस्कोसिटी होती है। इसके अलावा इसकी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी अणुसंकेत गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू भी कैसी होती है, हाई होती है। कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज है उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी कैसी होती है, हाई होती है। जबकि इसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैसी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसकी वैल्यू कैसी होती है, लो होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऐसे लिक्विड के या ऐसे प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कोलाइड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती है, एक आता है इवेलेशन, इवेलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं अपन डेल टीवी। एक है डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं डेल टीएफ। एक है परासरण दाब जिसको कह सकते हैं डेल टी, और एक जो होता है डेल पी या इसको पाई कह दो पाई। और एक है हिमा, ये जो वास्तव है उस वास्तव का अपेक्षित अवनमन या अवनमन डेल पी। ये चारों ही जो है ये चारों ही कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो इसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू हाई होती है और इसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, लो होती है। इसके अलावा अगर विद्युत अपघट्य का प्रभाव देखें, अगर इसके अंदर विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसका जो स्कंदन है वो इसके अंदर आसानी से नहीं होता है। अगर कम मात्रा में मिलाओगे तो इसका स्कंदन नहीं होगा, लेकिन अधिक मात्रा में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्कंदन हो जाता है। नॉट प्रेसिपिटेट फॉर्म बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन लो क्वांटिटी। अगर लो क्वांटिटी के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं, तो इसके अंदर किसी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यदि अधिक मात्रा में आप मिलाओगे तो भी प्रेसिपिटेट बनेंगे, वरना प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं। जबकि ये जो है फॉर्म इजीली फॉर्म प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। अगर कम मात्रा में भी इसको अगर मिलाओगे तो भी इसका तुरंत क्या बन जाएगा, इसका अवक्षेप बन जाता है, तुरंत ही इसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। ये इस प्रकार से अगर उसके बाद में अगर इस पर टिंडल इफेक्ट देखते हैं तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अगर टिंडल इफेक्ट देखोगे, टिंडल इफेक्ट देखे हैं तो इसमें टिंडल इफेक्ट जो है वो कम मात्रा में दिखाई देता है। जबकि इसमें जो टिंडल इफेक्ट है वो टिंडल इफेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है, टिंडल जो इफेक्ट है वो अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसमें टिंडल इफेक्ट अधिक मात्रा में दिखाई देता है, जबकि इसके अंदर जो टिंडल इफेक्ट है वो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। उसके बाद है अगर विजिबिलिटी देखे, इसके पार्टिकल की विजिबिलिटी देखे, विजिबिलिटी अगर इसकी दृश्यता की अगर बात करते हैं तो ये जो माइक्रोस्कोप के द्वारा नॉट विजिबल बाय नॉर्मल माइक्रोस्कोप। अगर सामान्य माइक्रोस्कोप को देखें तो उसके अंदर इसके जो पार्टिकल है वो घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे, जबकि ये जो है इसके पार्टिकल जो है वो है इजीली विजिबल बाय नॉर्मल
माइक्रोस्कोप, एक सामान्य माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसके जो पार्टिकल हैं वो आराम से दिखाई देते हैं, जबकि सामान्य माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी बात है, अगर हाई क्वालिटी की माइक्रोस्कोप होगी तो इसमें भी दिखाई देंगे, उसमें भी दिखाई देंगे। अगर लेकिन लो क्वालिटी की माइक्रोस्कोप होगी तो इसमें जो पार्टिकल हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, जबकि इसमें पार्टिकल जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके अलावा कणों पर आवेश की बात करें, कणों का आवेश चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ पार्टिकल की अगर बात करें तो चार्ज ऑफ पार्टिकल में इनके कणों पर जो आवेश होता है वेरी लेस होता है, वेरी लेस आवेश होता है, कम आवेश होता है, जबकि इसके पार्टिकल पर जो चार्ज होता है हाई चार्ज होता है। इसके पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, हाई चार्ज होता है, जबकि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, लो चार्ज होता है। इसके बाद अगर इसके जल नियोजन की बात करते हैं, इसके हाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रेशन तो इसमें अत्यधिक हाइड्रेशन होता है, इसका हाइड्रेशन बहुत अधिक होता है, जबकि इसका जो हाइड्रेशन है वो हाइड्रेशन बहुत कम होता है, लेस हाइड्रेशन, लो हाइड्रेशन कह सकते हो आप। और इसी प्रकार से जैसे कि अगर इसके अंदर अपन किसकी बात करें, विद्युत कण संचलन की, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर चार्ज क्या है, कम है, और चार्ज कम होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसके कणों का जो मूवमेंट है ये इस प्रकार से एनोड और कैथोड की ओर जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो क्या होगा, कम होगा। जबकि इसके अंदर अगर देखोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक के द्वारा एनोड और कैथोड पर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या होगा, हाई मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। मतलब कि जैसे ही अगर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चार्ज क्या है, हाई है, और चार्ज हाई होने के कारण जो पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव जो पार्टिकल है वो किसकी ओर गमन करने शुरू हो जाएंगे, एनोड और कैथोड की ओर गमन करने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लायोफिलिक और इस लायोफोबिक सॉल्यूशन में डिफरेंस है, और एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन। थैंक यू।